आईटीवी 14 साल से दीन हक्का का प्रचार करता आया है और करता रहेगा। इसके लिए आप लोगों का तामन रहा और हमेशा उम्मीद है कि आगे जो आने वाली नस्लें हैं वो भी हद आईटीवी के साथ उसी तरह जुड़ी रहेंगी जिस तरह आप लोग जुड़े हुए हैं, जिसकी बदौलत हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और साल में अगर एक दिन हमें मिलता है कि एक दूसरे के चेहरे देख लेते हैं तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी कि हम यहाँ बैठकर एक दूसरे से मिलते हैं। जिस तरह उलमा इकराम का, वैसे तमाम उलमा इकराम का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अदाई टी वी को हमेशा ऑक्सीजन मुहैया की है अपने कलाम से, अपने अल्फाज से और दीन हक़ का प्रचार करके और हमारे नई नस्लों को रोशनी दी है। क्योंकि घर में बैठे हुए इस वक्त लोग जो चीज़ कभी मस्जिद में जाकर सुनते थे लेकिन घर में बैठकर भी अदाई टी वी की वसातल से सुन रहे हैं, तो इस सिलसिले को हम जारी रखना चाहते हैं। और ये आपको बताता चलूँ कि 17 अक्टूबर को बरोज़ मंडे हम बर्मिंगम में सीरत कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें तमाम मुकातब फ़िक्र के लोगों को हमने बुलाया है। तमाम मुकातब फ़िक्र के जितने उलमा इकराम नाथ पाए हैं उन तमाम को हमदू किया है और शुक्रगुजार हूँ दाई टी वी के जो चेयरमैन हैं गुलाम हुसैन अदीद साहब, उन्होंने शहनशाह नकवी साहब को भी वहाँ चीफ गेस्ट बुलाया। तो आप तमाम जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं तमाम को मैं दावत देता हूँ, जिस तक अगर मेरी दावत नहीं पहुँची तो आप वहाँ आएँ, तो वहाँ इंशाल्लाह हम यही के एक ऐसा इताद और इतफाक़ का मैसेज देंगे जिसकी वजह से फरोई इख्तलाफात को लाकर लोग यहाँ बरतानिया में जितने भी हमारे रहते हैं लोग वो मिल कर चलें। और हम ये अगर हमें जो लोग मीडिया में आते हैं सामने आते हैं उन्हें देखकर बाकी लोग जो घरों में बैठे हुए हैं वो भी ये सबक हासिल करेंगे कि हम हमारे दरमियान जितने भी इख्तलाफात है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें मिलजुल कर नबी के हवाले से ये मैसेज है कि फॉर्म अदाई टी वी के टेबल पर पड़े हुए हैं और उसको फिल करें, उसमें हिस्सा दें, अपना जो भी आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है। और आपको ये बताता चलूँ कि ये जो अदाई टी वी को देंगे ये आपके ज़ाया नहीं होंगे, ये एक नेक मकसद के लिए जा रहे हैं पैसे, और नेक मकसद के लिए अगर आपका पैसा जाएगा तो उसके साथ एक डबल नहीं होंगे बल्कि चार गुना ज़्यादा इजाफा होता है। तो इस यकीन के साथ आप ये अदाई टी वी का जो फॉर्म है उसको फिल करें और आप हमारे साथ जुड़ जाएँ इस अदाई टी वी के ज़रिए, और आपको अपडेट भी मिलती रहेंगी और आपके तावन भी हमारे साथ होगा और आपको भी महसूस नहीं होगा और हमारा ये चैनल दिन रात इंशाल्लाह तरक्की की जानो गर्जन होगा। और इसमें जो दौरे जदीद की जो ज़रूरियात हैं इसकी प्रोटेक्शन की और फिर सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, तो हम चाहते हैं कि इसकी इसको प्रोफेशनली सोशल मीडिया की भी जीनत इसको बनाया जाए, तो उसके लिए भी वर्क हो रहा है, लेकिन आप लोगों का तामन होगा तो इसको इंशाल्लाह हम इससे बेहतर से बेहतर बनाते जाएंगे। इसी के साथ इंशाल्लाह सेहत रही, ज़िंदगी रही, तो बर्मिंगम में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी।